एक्टर एस जे सूर्या भारत के जाने माने डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, एक्टर, म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर हैं, जिन्हें हम तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जानते हैं। बेसिकली यह तमिल फिल्मों में यानी कि कॉलीवुड में काम करने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने अपनी कुछ कुछ अपीयरेंस तेलुगु और हिंदी भाषी फिल्मों में भी दी है। एक्टर बनने से पहले इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए डायरेक्टर के तौर पर की थी और इन्होंने वसंत और सभापति जैसे डायरेक्टर को असिस्ट किया है। इनकी एक्टिंग जर्नी की बात करें तो यह एक्टिंग भी डायरेक्टर के साथ साथ करते रहे हैं और इनकी कई मूवीज़ तो ऐसी है जिसमें ये खुद ही डायरेक्टर रहे हैं और उन्हीं में ही इन्होंने एज ए लीड एक्टर के तौर पर भी काम किया है। बात करें इस वीडियो की तो इस वीडियो में हम एक्टर एस जे सूर्या की हिट और फ्लॉप मूवीज़ के बारे में, एज ए एक्टर के तौर पर जो इन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में की है एज ए एक्टर के तौर पर। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी रोमांटिक ड्रामा मूवी न्यू से, जिसका डायरेक्शन भी इन्होंने खुद एस जे सूर्या सर ने ही किया था और स्टार कास्ट में इनके साथ थी सिमरन और देवयानी। मूवी 2004 को रिलीज हुई थी और 5.3 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी 2004 की एक बेहतरीन सुपरहिट फिल्म साबित हुई। नंबर दो, इनकी रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी मूवी अनबे अरु यरे, जिसका डायरेक्शन भी एस जे सूर्या सर ने खुद ही किया था, इनके साथ ही प्रिया भवानी और करुणाकरण। मूवी 2005 को रिलीज हुई और 5.3 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म रही। नंबर तीन, इनकी रोमांटिक ड्रामा मूवी कलवानिन कदाली, जिसका डायरेक्शन किया था तमिल वानन ने। कास्ट में थे एस जे सूर्या, नयनतारा और विवेक। मूवी 2006 को रिलीज हुई और 6.7 की IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर चार, इनकी कॉमेडी से भरपूर मूवी थिरुमगन, जिसका डायरेक्शन किया आर रत्न कुमार ने। कास्ट में थे एस जे सूर्या, मीरा जैस्मिन और मालविका। मूवी 2007 को रिलीज हुई, 6.7 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर पाँच, इनकी एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी वह भारी, जिसका डायरेक्शन किया शक्ति सिंह ने। कास्ट में थे एस जे सूर्या, तमन्ना भाटिया, प्रकाश राज। मूवी 2007 को रिलीज हुई थी और 3.4 की से बेहद कम IMDb रेटिंग प्राप्त हुई थी। हालांकि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई और वैसे कई वेबसाइट इसे फ्लॉप भी बताती हैं। नंबर छः, इनके करियर की एक बेहतरीन मूवी न्यूटन मोदरम विधि, जिसका डायरेक्शन किया था थाई एम ने। कास्ट में थे एस जे सूर्या, श्याली भगत और विजय। मूवी 2009 को रिलीज हुई, 6.8 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर सात, इनकी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी ईसाई, जिसका डायरेक्शन किया था एस जे सूर्या सर ने खुद ही और इसकी स्टार कास्ट में उनके साथ थे सत्यराज और सुलगन। मूवी 2015 को रिलीज हुई, 6.8 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। नंबर आठ, इनकी एपिक एक्शन ड्रामा मूवी इरावेरी, जिसका डायरेक्शन किया जाने माने डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, एस जे सूर्या, बॉबी सिम्मा। अब मान सकते हो बहुत तगड़ी स्टार कास्ट थी और मूवी 2016 की एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर नौ, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए लीड विलन के तौर पर मूवी से की स्पाइडर से, जो तेलुगु भाषी मूवी थी, जिसका डायरेक्शन किया AR मुरुगदोस ने। कास्ट में थे महेश बाबू, एस जे सूर्या और रकुल प्रीत सिंह। मूवी 2017 को रिलीज हुई, 6.7 की यह मूवी डिजास्टर साबित हुई। हालांकि एस जे सूर्या के रोल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। नंबर 10, मेरसल, जिसका डायरेक्शन किया अतली कुमार ने। यह भी एक रेवेंज ड्रामा एक्शन मूवी थी जिसकी स्टार कास्ट में थे विजय, नित्या मेनन, एस जे सूर्या, काजल अग्रवाल, समांथा किनेनी। मूवी 2017 को रिलीज हुई और 8 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी ने 260 करोड़ का कलेक्शन करते हुए ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया। नंबर 11, इनकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी जिसका डायरेक्शन किया था नेल्सन वेंकटेशन ने। कास्ट में थे एस जे सूर्या, प्रिया भवानी शंकर और करुणाकरण। मूवी 2019 को रिलीज हुई, 7.7 की यह मूवी एक एवरेज हिट फिल्म साबित हुई। कई वेबसाइट इसे एवरेज और कई वेबसाइट इसे हिट बताती हैं। नंबर 12, बात करें इनकी कुछ आने वाली मूवीज़ की तो इनकी पहली मूवी का नाम है इरावा कलाम, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं अश्विन सर्वानंद। कास्ट में एस जे सूर्या और वामिका गब्बी, शिवंदा नेयर। मूवी 2020 में रिलीज होने वाली थी पहले, अब हमें कोरोना वायरस की वजह से ये आगे पोस्टपोन होती हुई दिखाई दे रही है। आप हमें कमेंट करके बताना यह मूवी कैसी होने वाली है। बात करें इनकी सेकंड अपकमिंग मूवी की
तो मूवी का नाम होना है मन्ना डे, जो पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा मूवी होगी जिसमें यह टी आर स्लिम बर्सन के साथ दिखाई देंगे। मूवी में फुल ऑन एक्शन और पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा। मूवी का डायरेक्शन कर रहे हैं वेंकट प्रभु। आप मुझे कमेंट करके बताना इस मूवी में यह कितना अच्छा कमाल कर पाते हैं या नहीं। बात करें इनकी आने वाली तीसरी मूवी की, तो मूवी का नाम है नेंजम मराथापी किलई। यह एक हॉरर मिस्ट्री हिस्ट मूवी होने वाली है जिसकी स्टार कास्ट में इनके साथ दिखाई देंगी रजीना कसेंड्रा। तो इन दोनों की जोड़ी पहली बार पर्दे पर एक साथ होने वाली है। तो आप हमें कमेंट करके बताना यह मूवी कैसा प्रदर्शन करेगी। बात करें इनकी एक और पैन इंडिया के अंतर्गत बनने वाली मूवी, यानी कि इस मूवी को हिंदी, तमिल, तेलुगू और इंग्लिश भाषा में बनाया जा रहा है और इसका एक नाम है द ग्रेट मैन। इसमें यह है अमिताभ बच्चन यानी कि सदी के महानायक के साथ दिखाई देंगे। यह कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर होने वाली मूवी है। तो यह भी हमें नीचे कमेंट करके बताना भी यह मूवी अमिताभ बच्चन सर के साथ इनकी कैसी होने वाली है। तो ये था तमिल भाषा के बेहतरीन एक्टर एस जे सूर्या का हिट और फ्लॉप एज ए एक्टर के तौर पर करियर एनालिसिस, जिसमें हमने उनकी आने वाली मूवीज़ और उनके करियर की हॉल मूवीज़ के बारे में जाना। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।